हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल टेक्निकल माल जी। दोस्तों, आज हमारे पास में बोट की स्मार्ट वॉच और इसका मॉडल नंबर है बोट एक्सटेंट। आज हम बनाएंगे इसका चार्जर। इसकी डिस्प्ले क्वालिटी अब बहुत ही अच्छी है, आप देख सकते हैं। बैटरी चार्ज कम होने की वजह से इसके जो ऑप्शन है वो खुल नहीं रहे हैं। चार्जर बनाने के लिए हमें सबसे पहले कोई प्लास्टिक का टुकड़ा लेना है, जितना बारीक प्लास्टिक का टुकड़ा हो वो ही लेना है। उसके बाद में हमें दो मैग्नेट लेने हैं। आप ये मैग्नेट ईयरफोन से, ईयरबड से भी निकाल सकते हैं, और सभी स्मार्ट वॉच के अंदर मैग्नेट दिया हुआ आता है, जिसकी वजह से इसका जो चार्जर आता है वो डायरेक्ट इसके पास ले जाते ही कनेक्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं। इस तरह से ये कनेक्ट हो जाता है। अब हमें इसको कैंची की मदद से, जो प्लास्टिक का टुकड़ा है, इसको हम अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद में हमें जितना प्लास्टिक का टुकड़ा चाहिए था वो हमें प्रॉपर एकदम काट लिया सही तरीके से, और अब हमने लगा दी इस पर मैग्नेट। आप देख सकते हैं ये एकदम जो इसका ओरिजिनल चार्जर आता है उसी की तरह ये चिपक गया है। अब हमें लेना है एक डाटा केबल। डाटा केबल को बीच में से काट लेना। अगर पहले से आपने डाटा केबल को काट लिया तो उसके अंदर चार वायर निकलेंगे। आपको उन वायरों में से दो वायर सिलेक्ट करनी है, रेड और ब्लैक। जिसके अंदर ज़्यादा वायर हो वही वायर सिलेक्ट करना है, जिसके अंदर कम वायर हो वो हटा देना है। जैसे इसके अंदर वाइट और ग्रीन है वो वायर हम हटा दे रहे हैं इसमें से। वायर हटाने के बाद में अब हमें अच्छी तरह से इसको तार को गूंथ लेना है और इसको लगा देना है एडेप्टर के अंदर। और अब हम इसको डायरेक्ट चेक करेंगे कि ये जो डाटा केबल है वो सही है या ख़राब है। तो इस तरह से आप भी चेक कर सकते हैं। जैसे इसके पीछे के दो जो पॉइंट देख रहे हैं उस पर आप डायरेक्ट वायर लगाओगे तो ये स्मार्ट वॉच है वो चार्ज होने लग जाएगी। इतना करने के बाद में अब हमें कर लेना है इस टुकड़े के अंदर दो होल बराबर में। हमने कर लिया इस टुकड़े के अंदर दो होल। होल करने के बाद में इसके अंदर हमने वायर लगा करके भी चेक कर लेते हैं एक बार वायर लगा करके। अब हम इसको मैग्नेट को फिक्स कर देते हैं फेविक्विक की मदद से, ताकि ये जो चार्जर है वो और भी मजबूत हो जाए। हमारा चार्जर अब बन करके एकदम रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं। हमने इसके पीछे मैग्नेट भी लगा दिए हैं। अब और आप देख सकते हैं स्मार्ट वॉच वो चार्ज भी लग रही है। अब जैसे इसका बटन हम ऑन ऑफ करते हैं चार्ज भी लगने लग गई है। और आप इस तरह चार्जर वो अपने घर पे बना सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का कोई ज़्यादा रिश्ते का काम भी नहीं है और ज़्यादा खर्चा भी नहीं है। और ऐसी वॉच है जिनका चार्जर ऑनलाइन भी नहीं मिल सकता है, ऑफलाइन भी नहीं मिल सकता है, उसको आप इस तरह से घर पे बना सकते हैं।